तो गाइस 7.4 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी बैंक बनाने के लिए हमें कुछ इस टाइप के सेल की ज़रूरत पड़ने वाली है। देख सकते गाइस ये 1800-650 लिथियम आयन सेल है, सैमसंग का सेल है गाइस। इन सेल को गाइस जो मैंने पुरानी लैपटॉप की बैटरी रही थी उनमें से निकाला है। जैसे गाइस ये सेल आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे है गाइस, आपको ऑनलाइन भी आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे लेकिन वहाँ पर भी बहुत हाई रेट है गाइस इसका। जैसे गाइस आप मार्केट में इसको लेने जाते हो तो गाइस ये 100 रुपये का एक सेल मिलेगा आपको, और गाइस आप पुराने लैपटॉप की बैटरी से इसको निकालते हो तो बहुत कम में आपको पड़ जाएगा। जो गाइस लैपटॉप की बैटरी आपको सेकंड हैंड मिलेगी या ख़राब वाली बैटरी मिलेगी उसमें गाइस एक दो ही सेल ख़राब रहते हैं, बाकी सेल अच्छे निकलते हैं। आपको 30-40 रुपये की एक बैटरी मिल जाएगी गाइस किसी भी कंप्यूटर रिपेयरिंग शॉप से। तो कुछ इस तरह के हम सेल यूज़ करने वाले हैं। और गाइस इस सेल को होल्ड करने के लिए मैं कुछ इस टाइप के बैटरी होल्डर का यूज़ करने वाला हूँ। ये भी 1800-650 बैटरी होल्डर है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं 2S लिखा है। यानी गाइस इन सेल को हम सीरीज़ में यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पिन आपस में यहाँ पर कनेक्टेड है गाइस, और यहाँ पर सेपरेट है दोनों। यहाँ से हमें नेगेटिव आउटपुट मिलेगा और गाइस यहाँ से हमें पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। और गाइस इन सेल को जैसे हम चार्ज करेंगे गाइस तो ये अनबैलेंस हो सकते हैं। तो गाइस इन सेल के प्रोटेक्शन के लिए मैं कुछ इस टाइप के 2S बीम इसका यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ये BMS है गाइस। इसको भी गाइस मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया है, 30 रुपीज़ का एक BMS मुझे मिल गया है गाइस। यहाँ पे BMS का कनेक्शन एक बार अब मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस P नेगेटिव P पॉजिटिव लिखा है, यानी पावर नेगेटिव पावर पॉजिटिव, यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा गाइस और यहाँ से बैटरी भी चार्ज कर पाएंगे हम। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी पॉजिटिव और बैटरी नेगेटिव लिखा है। तो गाइस इन सेल को जैसे हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे कुछ इस टाइप से, देख सकते हैं इसका जो नेगेटिव है इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देना है तो ये सीरीज़ में कनेक्शन हो जाएगा और यहाँ से हमें पावर मिलेगा पॉजिटिव और गाइस यहाँ से नेगेटिव। ये जो नेगेटिव वाला पॉइंट है गाइस बैटरी यहाँ पर देख सकते हैं जो BMS है उसके नेगेटिव पॉइंट पर शोल्डिंग कर देना है गाइस, और ये जो पॉजिटिव पॉइंट है गाइस BMS के पॉजिटिव पॉइंट पर इसको शोल्डिंग कर देना है। और गाइस इस साइड पर देख सकते हैं यहाँ पर और एक पॉइंट दिया गया है, मैं आपको अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। BM लिखा है गाइस, यानी बैटरी मैनेजमेंट लिखा है। तो गाइस या ये जो पॉइंट है गाइस यहाँ पे देख सकते हैं दोनों सेल को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है, ये वाला जो पॉइंट है गाइस यहाँ पर कनेक्ट होगा। इससे गाइस BMS को पता चलेगा कि कौन सी बैटरी ओवरचार्ज हुई है और कौन सी बैटरी ओवर डिस्चार्ज हुई है, ये यहाँ से इसको मैनेज करेगा गाइस। तो चलिए जल्दी से गाइस इसको बैटरी बॉक्स में असेंबल कर देते हैं सेल को। ये जो पॉइंट है गाइस ये जो नेगेटिव वाला पॉइंट है तो कुछ इस तरह से आपको ध्यान में रखना है गाइस, प्रॉपर इसकी कनेक्शन करना है। तो एक सेल के कनेक्शन तो यहाँ पर हो चुके हैं गाइस, तो चलिए दूसरा भी इसको यहाँ पर असेंबल कर देता हूँ मैं। देख सकते हैं सेल भी अच्छी तरह से यहाँ पर फिक्स हो गए हैं। तो चलिए अभी गाइस ये जो BMS है इसको यहाँ पर स्टिक कर देंगे कुछ इस तरह से, देख सकते हैं इस तरह से इसको स्टिक कर देंगे। चलिए गाइस जल्दी से इसको भी हॉट ग्लू गन की हेल्प से अच्छे से यहाँ पर इसको स्टिक कर देता हूँ गाइस। तो गाइस अभी यहाँ पर देख सकते हैं जो BMS है वो भी अच्छे तरह से हॉट ग्लू से स्टिक हो गया गाइस यहाँ पर, अभी ये निकलने वाला नहीं है। तो जैसे कि गाइस मैंने आपको पहले बताया था जो रेड कलर का यहाँ पर जो वायर है गाइस उसको बी पॉजिटिव पर शोल्डिंग कर देना है, और गाइस जो ब्लैक कलर का वायर है गाइस उसको बी माइनस पर यहाँ पर इसको शोल्डिंग कर देना है। तो चलिए जल्दी से इन दोनों को कनेक्शन में यहाँ पर कर देता हूँ। अभी गाइस यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी पॉजिटिव और बैटरी नेगेटिव के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी गाइस यहाँ पर एक पॉइंट जो बचा है यहाँ पर देख सकते हैं इनपुट के लिए BM लिखा है बैटरी मैनेजमेंट का। अभी गाइस यहाँ पे जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो सीरीज़ में कनेक्शन हुआ है ये जो पॉइंट है गाइस BM वाले पॉइंट पर इसको कनेक्ट कर देना है। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर भी मैं एक वायर कनेक्ट कर देता हूँ। तो गाइज़ अभी यहाँ पर देख सकते हैं BMS इनके कनेक्शन सारे कंप्लीट हो चुके हैं गाइज़। यहाँ पर BM पर भी हमने वायर कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से गाइज़ हमें डेटा मिलेगा, जो BMS है इसका डेटा लेगा गाइज़ सेल का कि कौन सा सेल चार्ज है कौन सा डिस्चार्ज है। अभी गाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं P नेगेटिव P पॉजिटिव लिखा है, यहाँ पर भी चलिए दो वायर कनेक्ट करते थे। दोनों पॉइंट से गाइज़ हमें बैटरी का आउटपुट मिलेगा जो 7.4 वोल्ट है, और गाइज़ इन्हीं दोनों पॉइंट से गाइज़ बैटरी को हम चार्ज भी कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 7.4 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी बैंक बनकर रेडी हो चुका है। देख सकते हैं गाइस इसके कितने इजी कनेक्शन हैं गाइस। इसमें हमने जो BMS लगाया है वो 2S 10 एम्पेयर का BMS है गाइस, इसमें 8 एम्पेयर का भी आता है लेकिन गाइस अगर आप 10 एम्पेयर का यूज़ करोगे तो वो बेस्ट रहेगा। तो चलिए गाइस अभी इसका आउटपुट वोल्टेज देख लेते हैं, आउटपुट में कितना वोल्टेज आ रहा है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं गैस 8.07 वोल्ट यहाँ पर शो कर रहा है। नहीं गैस हमारे जो यहाँ पर जो बैटरी है गैस वो 100% चार्ज है। तो चलिए अभी गैस इससे कुछ टेस्ट करके देखते हैं, इससे मोटर वगैरह कनेक्ट करके देखते हैं वो वर्क करती है या नहीं करती है। तो गैस इस वाले बैटरी पर गैस हम कुछ इस टाइप का एक DC वाटर पम्प चेक करके देखने वाले हैं। गैस इस वाटर पम्प को गैस मैंने घर पर ही बनाया है, इसका मेकिंग वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गैस, वासी देख के आप इसको चेकआउट कर सकते हो और गैस इसको घर पर ही आप बना सकते हो। तो चलिए अब इसको ऑन करके देखते हैं बैटरी से ये ऑन होता है कि नहीं होता है। वैसे गैस ये जो वाटर पम्प है ये 12 वोल्ट DC से चलता है, इसमें गैस 24 वोल्ट तक का DC इनपुट आप दे सकते हो। तो चलिए अभी इसके कनेक्शन यहाँ पर 2 वायर में कनेक्ट कर देता हूँ, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। देख सकते हैं गैस मोटर यहाँ पे रन हो रहा है। देख सकते हैं यानी गैस हमारी जो बैटरी है अभी ये सक्सेसफुली वर्किंग है गाइस। तो चलिए गैस अभी इस पर कुछ और चला के देखते हैं, LED लाइट्स वगैरह चला के देखते हैं गैस इस पर। अब गैस यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक 30 वॉट का LED कॉप चिप है गैस। तो चलिए इसको ऑन करके देखते हैं ये ऑन होता है कि नहीं होता है इस बैटरी पर। चलिए इसके साथ बैटरी के कनेक्शन में कर देता हूँ। देख सकते गैस यहाँ पर लाइट भी अच्छी तरह से काम कर रहा है, एकदम मस्त तरीके से ये काम कर रहा है गैस। यानी गैस हमारी ये जो बैटरी है ये सक्सेसफुली वर्किंग है गैस। गैस इस बैटरी को अपने आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो जहाँ पर गैस 7.4 वोल्ट की रिक्वायरमेंट हो, इसे रिक्वायरमेंट हो गैस। अगर गैस इस बैटरी के कनेक्शन आपको समझ में ना आए हो तो गैस वीडियो में इसका मैंने कनेक्शन डायग्राम दे दिया है, BMS का कनेक्शन डायग्राम, वहाँ से देख के अच्छे से आप समझ सकते हो गैस। तो गैस आज की वीडियो में बस इतना ही, ये बैटरी कैसी लगी गैस हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और गैस वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक भी कर देना गैस। तो चलिए गैस मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।